जय हो जय हो। गोरखगिरी की चढ़ाई, दुर्गम चढ़ाई देखिए भाई। कपूर साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई, गोरखगिरी की दुर्गम चढ़ाई सिद्धि ने हिम्मत दिखाई, मुन्ना भाई ने भी हिम्मत दिखाई, कपूर साहब ने भी हिम्मत दिखाई। सबसे ज्यादा था कपूर भाई साहब। कपूर साहब जो है, बताइए सर कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर। थक गए लग रहा, अब थोड़ी वो हो ही जाएगी। हाँ भाई सिद्धि, बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता है ये। फर्स्ट क्लास सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है। और जिसने चढ़ लिया उसको योगा, वो मतलब सारे योगा प्राणायाम हो जाएंगे। कपाल भाती और ये उसके करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो है सारे योग यही हो जाते हैं, सारे योग यही हो जाएंगे बिल्कुल। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी भाग जाएगा। कहा भी है डॉक्टर साहब, जय हो जय हो जय हो जय हो। देखिए सीधी चढ़ाई के बाद यहाँ एक पठार आया है, सबको बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। देखो खरे जी भी आ रहे पीछे से, आओ भैया। ऐसी चढ़ाई अगर रोज चढ़े लोग तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो गायब रहे है। गायब भैया, ऐसी जो है चढ़ाई लोग चढ़े। आइए आइए सिंह की दहाड़, कपूर साहब को ले आए। हाँ भैया बताओ, आपसे ऐसी चढ़ाई लोग रोज चढ़े तो उसे किसी दवा की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी लोगों को मतलब मेहनत करनी चाहिए। आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, कम से कम 1 घंटे अपने शरीर के लिए देना चाहिए ताकि निरोगी काया रहे और लोग स्वस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई देखिए सेल्फी प्वाइंट भी है, ये जागेश्वर भाई सेल्फी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखो विश्राम भी हो रहा है, बच्चे भी आ गए। भैया बताओ कैसे लग रहे हो, थक गए का? थक गए हो? पापा नहीं है गोरी, मम्मी भी देख रही थी मैं डॉक्टर बहुत देख। हाँ बेटा थक गए का तुम, बच्चे थक गए हैं। और मुन्ना भाई बताइए। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है आज, हवा भी बढ़िया चल रही है और सामने का पहाड़ भी बहुत मस्त दिख रहा है। देखिए देखिए क्या बात है, ये देखिए चारों तरफ की वादियाँ। ये तो अंधियारी चल वाला पहाड़ है हमारा, और ये देखिए पीछे रहलिया साइड का क्षेत्र पूरा दिख रहा है। महानगर बन रहा है, 13 मंजिल की बिल्डिंग बन रही। बिल्कुल महानगर पहाड़ के चारों ओर बन जाएगा कुछ समय बाद। बिल्कुल देखो एक खूबसूरत चट्टान पे ग्यासी बैठे हैं। जय हो जय हो जय हो। देखिए कैसे रखी है चट्टान, ये अद्भुत तरीके से ऐसे लगता है इसे टिकाई गई है। इसके ऊपर बहुत ही शानदार चट्टान है, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ साथी हमारे आगे भी हैं, पठार पे बैठे हुए हैं, योगा भी करना की कोशिश में हैं। चलिए उनसे भी मिलाते हैं आपको, देखते हैं उनसे भी बात कराएंगे अभी कि वो भी कैसे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हवा चल रही है धीमी धीमी, कुछ भी हो लेकिन यहाँ का मौसम नायाब है, स्वर्ग है ये हमारे महोबा का। बुंदेलखंड की भी लिए भी बहुत ही गौरवशाली स्थान है। जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। ये देखिए हमारे खरे जी हैं, उनको इतनी चढ़ाई भर से संतोष नहीं हुआ और वो जो है इस समय यहाँ भी एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। हाँ भाई खरे जी, मन नहीं भरा क्या अभी? अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ आज का डोज, आज का डोज पूरा नहीं हुआ। हाँ भैया मार साहब, आज समय के अभाव की वजह से पूरा नहीं हो पाया हम लोगों का। अच्छा, मतलब पूरा योगा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों, समय अभाव क्यों है? आज छुट्टी नहीं है क्या? आज जल थोड़ी से लेट हो गए। अच्छा जल लेट हो गए, नागपंचमी, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल 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 सभी को, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे भाई साहब 64 साल के भाई साहब हमारे लड़कों को मात दे रहे हैं। ये देखिए सबसे, और एक बहुत खूबसूरत चट्टान के आगे बैठे हैं ये। देखिए कितनी शानदार चट्टान है थोड़ी सी सहारे पे। और ये प्रहलाद हमारे, इनको भी जो है बिल्कुल अभी भी इतनी एक्सरसाइज के बाद भी लोग तो हाँपने लगते हैं और ये जो है यहाँ भी जुटे हैं। बताइए कपूर साहब हमारे सुस्ता रहे,
कपूर साहब ये बताइए, लखनऊ में क्या ऐसी कोई जगह है? कपूर साहब हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं। नहीं, लखनऊ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे करा सके। पेन में जरूर है कि पेन आप चल सकते हैं, हाँ, चाहे आप किसी भी पार्क में चले जाएं, लेकिन पहाड़ियों पे जाकर जहाँ पे भी एक्सरसाइज एक साथ हो जाए वैसे। अच्छा, वो जो है वहाँ तो पार्क बहुत बने हैं, पार्क लोग जाते हैं। जी जी बिल्कुल, चाहे जलेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे पार्क हो, लोहिया पार्क हो, हाथी पार्क, बहुत सारे हैं जिसमें आप जाके मूव कर अपना एक्सरसाइज एक्टिविटी कर सकते हैं इस मॉर्निंग वॉक की। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी जहाँ पे सारा पूरी बॉडी एक साथ कर ले वो जो है इस तरीके से भी बढ़िया एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो बात यहाँ महोबा में है वो बात बहुत प्रयासों के बावजूद लखनऊ में नहीं है। नहीं बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। देखो बाकी टीम आ रही है। अब प्रहलाद कहाँ गए भाई, बोलिए भाई, आपकी हो गई कहाँ हो गई? बाइट बाइट बाइट। अरे एक्सरसाइज हो गई। 40 साल का यंग चिलमान खान हमारे। 40 साल के यंग जवान। 73 साल उम्र है इनकी। 73 साल। 40 साल के, देखो 65 के लग रहे हैं। अच्छा भैया प्रहलाद बोलो, ये तुम्हारी उम्र कितनी है? 73 साल। अरे 73 का जन्म है। 73 का जन्म है। अच्छा अच्छा, 73 का जन्म है, यानी 49 साल हो गई। चलो सिद्धि, तुम्हारा जन्म कौन महीना साल को है? 57। 4 57। अच्छा 4 57। अच्छा 57 की पैदाइश है आप, तो कितने साल हो गए? 65 साल हो गए। 65 साल की। कहाँ गए अवधेश भाई साहब? 20/4/90 डेट ऑफ बर्थ 20/4/90 तुम्हारी। अरे नहीं, अवधेश भाई साहब की कितनी है? अरे कौन सी साल में पैदा भाई थे भाई साहब? 1942। अवधेश भाई साहब सन बताओ, सन बताओ। अरे अब पास कहाँ से आ जाओ, दूर तो भगत हो। अरे पास में आओ, पास में बताएंगे किस सन में पैदा हुए थे हमारे अवधेश भाई साहब। बताओ ये कौन सन? एक मिनट। हाँ जी बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं भाई? हम ये जानना चाहते हैं आप किस सन में इस धरती पे अवतरित हुए थे? हम सन 61 में यहाँ पे फेंके गए थे। 61 में? अच्छा, फेंके गए थे। कितनी स्वर्ग में तो आपको जो है उतारा है ऊपर वाले ने, कितनी शानदार जगह है। चलो चलिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये हमारे कुत्ते भी साथ में, ये भी घूम रहे। चलो